अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। सोमवार को खातीगांव के एसडीएम कार्यालय में खातीगांव तहसील के किसान भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर खराब हो चुकी सोयाबीन की फसलों को लेकर पहुंचे। उन्होंने यहां खातीगांव तहसीलदार मनीष जैन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि हमें 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जल्द मुआवजा दिया जाए। अगर आने वाले एक सप्ताह के अंदर मुआवजा नहीं मिलता है तो हम चक्का जाम करेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखिए खातेगांव.com की विशेष रिपोर्ट। मान्यवर, पानी नहीं गिरने के कारण किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से सोयाबीन सूख चुका है। इसी को लेकर आज हमने तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है कि किसानों को 40,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए, वो भी 7 दिन के अंदर दिया जाए। एक महीना कुल चुनाव का बचा है आचार संहिता लगने का, और 7 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा मुआवजा हमारे खाते में आता है तब तो ठीक है, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे और उसके बाद भी बात नहीं बनती फिर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया, उसके साथ ही बिजली को लेकर भी ज्ञापन दिया है कि बिजली जो पहले 10 घंटे मिलती थी वो अब 7 घंटे कर दी गई, उसमें भी बार बार ट्रिपिंग हो रही है। तो इसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया कि कुछ क्षेत्र में जहां किसान पानी दे रहे हैं उनको पर्याप्त बिजली मिले, पूरे क्षेत्र में पानी 12 घंटे बिजली मिले, इस मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। एक कीटनाशक का विषय भी आपका था। हाँ, कीटनाशक को लेकर हम 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अमानक स्तर का खाद बीज दवाई भयंकर बिका है यहाँ और उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर हम 4 बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। आज किसान अगर किसानों को फंगिसाइड अच्छा मिलता तो शायद ये फसल जो है थोड़ा और दम पकड़ती, 2-4-5 दिन और टिक जाती। हो सकता है बारिश आने वाले समय में 2-4-6 दिन में बारिश होती तो कहीं ना कहीं ये दाना भरा जाता, तो कहीं ना कहीं किसानों को पेस्टिसाइड में भी ठगा गया है और उसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि दवाई कंपनी और वो विक्रेता जो फर्जी पेस्टिसाइड बेचता है उन पे कार्रवाई हो। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खातेगांव.com। खातेगांव और खातेगांव की आसपास की हर छोटी बड़ी खबर आपको देखने को मिलती है सिर्फ खातेगांव.com पर। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, जिससे खातेगांव की और खातेगांव के आसपास की हर एक छोटी बड़ी खबर सीधे आपके फोन पर आसानी से पहुंचे।